इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर न सिर्फ शहरवासियों में उत्साह देखा गया बल्कि दुनिया भर के प्रवासी भारतीय देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की कला संस्कृति को जानने के लिए उत्सुक नजर आए। आखिर 3 दिवसीय प्रवासी सम्मेलन के बाद इंदौर की तस्वीर कितनी बदलेगी, व्यापारिक गतिविधियों में कितना उछाल आएगा सहित अन्य मुद्दों को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी सहित वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा की। आइए जानते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर उनका विश्लेषण। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लगातार मीडिया कवरेज कर रही है और आज हमारे साथ मौजूद है प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी। आइए इनसे हम जानते हैं कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो चल रहा है, जितनी व्यवस्थाएं हैं उनमें इनकी क्या राय है, इनका क्या कहना है, इनका विश्लेषण क्या कहता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है ये, इंदौर और मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को इसकी मेजबानी सौंपी है। इंदौर ने पूरी तैयारी की, चाक चौबंद रहा इंदौर, और इंदौर में जो तैयारी हुई है इस आयोजन को लेकर उसके विश्व भर के जितने डेलीगेट्स आए वो सब दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया तैयारी इंदौर में इस आयोजन को लेकर की। अब रहा सवाल इश्यूज़ का, तो कल तो युवाओं पे समर्पित दिन था, प्रवासी युवाओं को लेकर था, तो युवाओं से क्या अपेक्षा है भारत सरकार की, विश्व भर में जो युवा फैल हैं उनसे क्या अपेक्षा भारत सरकार की, उस पर बड़ी विस्तार से बात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री जो हैं सूचना प्रसारण उन्होंने, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भाई हम लोगों की आपसे क्या अपेक्षा है, आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो और हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात को बहुत दमदारी से आगे बढ़ाओगे, ये बात कल कही उन्होंने। आज जो है सबसे महत्वपूर्ण दिन है इस आयोजन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं और आज सुबह से मेरी कई प्रवासी भारतीयों से मुलाकात हुई, वो बहुत आशान्वित हैं, उन्हें उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों को लेकर कोई महत्वपूर्ण डायलॉग करेंगे, घोषणा करेंगे। और जो प्रधानमंत्री की शैली है वो 1-to-1 लोगों से कनेक्टिविटी हमेशा स्थापित करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय प्रवासी भारतीयों को लेकर लिए जाएंगे, कोई महत्वपूर्ण घोषणाएँ होंगी। तो और दूसरा है कि डेलीगेट्स जो हैं वो सुबह से बहुत उत्साह था, कड़े सुरक्षा प्रबंध थे यहाँ पर, चूँकि पीएम की सिक्योरिटी का एक अलग प्रोटोकॉल है, एसपीजी का प्रोटोकॉल रहता है, तो बहुत, लेकिन उसके बावजूद जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने कई परेशानी आई लेकिन वो प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, इसलिए सुबह 9 बजे तक अंदाज लगाइए कि जो ग्रांड हॉल है, सबसे बड़ा आयोजन स्थल है जिसमें 2000 लोगों को बैठने की कैपेसिटी है, वो प्रधानमंत्री के पहुंचने के 1.5 घंटे पहले पैक हो गया था। उसके बाद जो दोनों हॉल है, ओरियन 1 और ओरियन 2, वहाँ पर डेलीगेट्स को बिठाया गया है, तो लोगों को बहुत उम्मीद है। हालांकि प्रधानमंत्री लेट हो गए हैं, दिल्ली में आज मौसम ठीक नहीं था, ऑरेंज अलर्ट था, उसके कारण करीब 1 घंटा 15 मिनट का विलम्ब कार्यक्रम में हुआ है और प्रधानमंत्री इंदौर में लैंड कर चुके हैं, कुछ ही समय में यहाँ आयोजन स्थल पर पहुँचेंगे, वो सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति को रिसीव करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर आएंगे, यहाँ पर जो है कार्यक्रम का शेड्यूल तय है, मिनट टू मिनट का शेड्यूल तय है, वो सबसे पहले जो है यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम सॉन्ग है वो हाल में होगा, फिर विदेश मंत्री जयशंकर का ओपनिंग रिमार्क होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण होगा, सूरीनाम के राष्ट्रपति का भाषण होगा, गुयाना के राष्ट्रपति का भाषण होगा और फिर प्रधानमंत्री का भाषण होगा। इस कार्यक्रम के तत्काल बाद, ये 56 मिनट का कुल कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तत्काल बाद प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन करने, उसके बाद ग्रुप फोटो होगा, फिर उसके बाद जो पावर लंच प्रधानमंत्री ने रखा वो होगा, तो कुल मिला के 4 घंटे का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बहुत टाइट है। लेट हो गए वो इसके कारण जो है मिनट टू मिनट का प्रोग्राम वापस सेट किया गया है और 4 बजे ऐसा बताया जा रहा है कि 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल से रवाना होंगे। तो अभी आयोजक तैयार हैं, आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है और कुछ ही मिनट में प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, तो मध्य प्रदेश और इंदौर का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना फ़ायदा हो सकता है, इसमें आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, बहुत उम्मीदें हैं कि जो प्रवासी भारतीय आए हैं वो मध्य प्रदेश और इंदौर से जुड़े मामलों में मदद करेंगे, लेकिन ये आज से परिदृश्य स्पष्ट होना शुरू होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी सूची तैयार रखी है, इंदौर के प्रशासन ने सूची तैयार रखी कि हमारी क्या आवश्यकताएँ, हमारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या ज़रूरत है, हमारी हेल्थ के सेक्टर में क्या ज़रूरत है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए क्या ज़रूरत है, लेकिन चूंकि होस्ट की भूमिका में है मध्य प्रदेश विदेश मंत्रालय के साथ, इसलिए अभी प्रवासी भारतीयों से डायरेक्ट डायलॉग शुरू नहीं हुआ। प्रवासी भारतीय मैक्सिमम जो है आज सुबह तक पहुंचे हैं, अब वो क्या मदद करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद जो 1-to-1 अलग अलग बातचीत का दौर शुरू होगा उसमें ये स्पष्ट हो पाएगा कि प्रधानमंत्री
प्रवासी भारतीय क्या मदद करना चाहते हैं, उसी के बाद क्या इंदौर को मिल रहा है उसका स्वरूप तय हो पाएगा। जैसे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में यहाँ भी इन्वेस्टमेंट में खर्चे हुए हैं, यहाँ की तैयारियों में, साज सज्जा में, तो उसका उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, विदेश मंत्रालय का आयोजन है, बड़ा आयोजन है, साल में 2-5 ऐसे बड़े आयोजन होते हैं जो भारत सरकार आयोजित करती है, तो विदेश मंत्रालय का आयोजन है, तो विदेश मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को फंडिंग की है। दूसरा है कि इंदौर शहर में आयोजन हो रहा है, इंदौर के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो इंदौर में जो है इंदौर नगर निगम ने, मध्य प्रदेश सरकार ने इस शहर को सजाने संवारने में कोई कसर बाकी, तो हम इसको मतलब रेसिप्रोकल नहीं मान सकते कि हमको ये इवेंट मिली है, हमने इतना खर्चा किया तो हमको क्या मिलेगा। ये आयोजन अपने आप को इंदौर में मिलना ही बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न था और इंदौर ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। ये आप देख सकते हैं कि क्या विश्लेषण है, क्या मीडिया का विश्लेषण है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं जो बता रहे हैं कि ये जो सम्मेलन हो रहा है उससे कितना फ़ायदा हो सकता है मध्य प्रदेश को। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। मैं आपके साथ ऐश्वर्या द्विवेदी, कैमरामैन गौतम सरदार के साथ। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर जो मीडिया है वो सबसे अच्छे से एनालिसिस कर सकती है, उसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं मुक्ता पाठक जी। जी, आप कैसे एनालिसिस कर सकती हैं? देखिए, जिस तरह से कल से हम लगातार यहाँ पे हैं और जो माहौल देख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने कई डेलीगेट्स जो आए हैं हिस्सा लेने, चाहे वो यूके हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, यूएसए हैं, मलेशिया हैं, दुबई हैं, बहुत सारे लोगों से जो बात हुई, तो सबके मन में उत्साह है, बहुत सारा उत्साह इस बात का है कि वो इस सम्मेलन में हिस्सा लेने आए। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो लाइव सुनेंगे। जितने भी डेलीगेट्स हैं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी की जो अब इमेज है वो एक ग्लोबल लीडर की है, तो उनको लाइव सुनने का मौका है। दूसरी बात जो मुझे समझ आई कि जितने भी भारतीय हैं उनका ये कहना है कि भले वो अपने देश से दूर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन वो अपनी संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं, तो इस सम्मेलन के माध्यम से वो भारतीय संस्कृति से एक बार फिर से रूबरू होते हैं, अपने बच्चों को भारत के कल्चर से रूबरू कराते हैं, तो इस बात को लेकर वो बहुत उत्साहित हैं। उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जितनी भी महिलाएं, जो अधिकांश जो महिलाएँ आई हुई हैं दूर दराज के देशों, जैसे ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, चाहे वो यूके हैं, मलेशिया है, सिंगापुर हैं, सबके सब भारतीय परिधान में हैं। अधिकांश को मैंने देखा कि वो साड़ी पहन के आई हैं और बहुत गर्व महसूस कर रही हैं कि वो साड़ी में आई हैं, तो वो चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, प्रवास और इसका एक और बहुत जो आगे आने वाले समय में जो है, जिस तरह से कई लोगों से जब मेरी बात हुई, जैसे सिंगापुर से एक डेलीगेशन आया था, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और हम मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की बात करें शिवराज सिंह चौहान, वो भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट जब आएगा, जब ये भारतीय जो प्रवासी भारतीय हैं जो वो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली एक ये बहुत सुखद चीज़ रहेगी। जी जी, क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं NRIs? देखिए, ये कहना आंकड़ों का खेल होता है, आंकड़े तो हम नहीं अभी कुछ कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जो बातचीत हो रही है, जिस तरह से जो डेलीगेट्स जो कहें कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आके मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे, तो जाहिर तौर पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा मध्य प्रदेश में। और जो बात हो रही है बार बार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, तो उसी की ओर ये एक बढ़ता हुआ कदम है। जी जी, अभी कुछ समय बाद मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं, वो किस तरह से NRIs को संबोधित करेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो हमारी जो बात हो रही थी, डेलीगेट्स लगातार वो कह रहे हैं कि वो बहुत उत्साहित हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव सुनने के लिए, क्योंकि अधिकांश जो प्रवासी भारतीय हैं उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है वो एक ग्लोबल लीडर की है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण इंडिया की इमेज बाहर देशों में जो है वो बहुत सुधरी तो नहीं कह सकते, क्योंकि भारत का अपना एक बहुत अच्छा इमेज है, लेकिन एक बहुत अच्छा इमेज हो गया है, और इसके कारण ब्रांड नरेंद्र मोदी के कारण जो है अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भारत में होने लगा है, तो प्रवासी भारतीय भी उसी का एक, अगर हम कह सकते हैं तो उसी का हिस्सा है। और ये जो सम्मेलन है, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, तो इसका आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हमको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। जी
जी, तो आपने देखा कि यहाँ पर लगातार मीडिया वरिष्ठ लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, वहीं तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार। इंदौर में होने वाले पहले और भारत के 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर शानदार आगाज हुआ है और इस आगाज के बाद में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को ये लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये आयोजन बहुत सफल माना जाएगा। अगर हम बात करें तो विश्लेषण की, तो मीडिया इसका बेहतर विश्लेषण कर सकता है। इस समय हमारे साथ इंदौर प्रेस क्लब के महासचिव हेमंत शर्मा जी। हेमंत शर्मा जी, इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर क्या सोचते हैं, उनके नज़र में इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर कितनी सफलता मिलेगी? हेमंत जी, किस तरह का ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन सफलता लेकर आएगा आने वाले समय में? बिल्कुल, आपने जो शुरुआत की है योगेश भाई, वो बिल्कुल एक सटीक बैठती है कि एक आगाज जो है वो बहुत ही शानदार है और इस आगाज के साथ जितने भी प्रवासी भारतीय है वो इंदौर का जो अतिथि देवो भव की जो भूमिका है और जिसको ये निभा रहा है उसको लेकर काफ़ी प्रभावित है। और जब आप किसी का तन मन धन और बहुत आत्मीयता से किसी का स्वागत करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत लंबे समय तक का इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अतिथियों का जिस तरह का स्वागत हुआ, उन्हें जिस तरह से यहाँ लाया गया, उनके कार्यक्रमों को लेकर जिस तरह का एक प्लानिंग पूरा नगर निगम आईडीए और इन सभी लोगों ने किया, मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह से रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत किया, तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर समिट है जिसको लेकर हम लोग एक देख रहे हैं कि औद्योगिक रूप से क्या लाभ हानि हम लोगों को मिलेगी, मुझे लगता है कि इसका लाभ इंदौर को भी बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है, मध्य प्रदेश को भी बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। और चूंकि मध्य प्रदेश के साथ साथ देश की ब्रांडिंग, चूंकि मोदी जी यहाँ पर है तो मोदी जी अपने आप में एक ब्रांड है, अपने आप में एक ब्रांड नेम है और पूरे देश और दुनिया में जो लोकप्रियता मोदी जी की है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के यहाँ आने से ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो चल कर यहाँ आएंगे और उसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। इंदौर वैसे भी आप देख रहे हैं कि स्वच्छता में नंबर 1 एक बार नहीं 6 बार आ चुका है, जिससे लोग भी प्रभावित हैं। जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जिन लोगों से हम लोगों ने बात किया, वो साफ तौर पर यह कहते हैं कि हम लोग तो दुबई को या हांगकांग को या मॉरिशियस को या लंदन को ही स्वच्छ शहर मानते थे, लेकिन इंदौर में आके हम लोगों की भावनाएं बदली है। हम लोगों ने जो सोचा था वो बिल्कुल विपरीत इंदौर है। इंदौर अपने आप में एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सिटी के रूप में स्थापित हो चुकी है। हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिहाज से बात करें तो हम ये मान सकते हैं कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन एक फाउंडेशन है और इन्वेस्टर जो मीट होगी वो इसका कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा। बिल्कुल, वैसे तो मूल इन लोगों का सभी का भारतीय ही है, यही लोग जो है वो देश और दुनिया में इंदौर देश और मध्य प्रदेश का परचम लहरा रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो अपने ही लोग हैं। लेकिन जब ये इनको दोबारा हम लोगों ने इस तरह से रेड कारपेट पर बुलाया तो इनका वहाँ होने का लाभ हमें, तो उनका मकसद केवल प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होना नहीं था, उनका मकसद था इन्वेस्टर समिट में शामिल होना और जो जिस सेक्टर में वो लोग देश और विदेश में काम कर रहे हैं उस सेक्टर को यहाँ लाना। जैसे कल हम लोगों का स्क्रैप को लेकर कुछ लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग दुबई और दूसरे देशों में इसका व्यापार करते हैं, उसमें हम लोगों का कई जगह व्यापार फैला हुआ है, हम अब इस देश में करना चाहते हैं और स्क्रैप को लेकर यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। और न केवल स्क्रैप बल्कि उस रिसाइकल करके उनसे बनाए जाने वाले कई उद्योग उसको वो यहाँ देना चाहते हैं, तो इस तरह के कई लोग हैं जो एक प्लान लेकर आए हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और चूंकि मध्य प्रदेश का एक माहौल सकारात्मक माहौल है, बढ़ता हुआ प्रदेश है, बढ़ता हुआ शहर है, उसे लेकर एक बहुत सकारात्मक रवैया लोगों के सामने देखने को मिला। इंदौर में एजुकेशन की बात करें तो IIT और IIM दोनों यहाँ पर है, IT हब के रूप में इंदौर को देखा जा रहा है। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप नज़र आ रहा है। हर्बल प्रोडक्ट को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर कई लोग इन्वेस्ट करने के लिए आ चुके हैं और वो इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ, इन सारे सेक्टर्स में यहाँ पर बहुत अच्छा एक रिस्पांस मुझे लगता है कि आने वाले समय में मिलेगा। ये फाउंडेशन ज़रूर है पर बहुत मजबूत फाउंडेशन के रूप में देखा जा रहा है। हेमंत जी, कई बार देखने में आता है कि इस तरह के आयोजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट की बातें होती, करार होते, MOU साइन होते हैं, लेकिन ये सब आयोजन के बाद में कहीं ना कहीं फाइलों में अटक जाता है मामला, कहीं ना कहीं ये मामला पेंडिंग हो जाता है। आपको क्या लगता है कि ये आयोजन कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, विशेषकर हम बात करें तो? बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर के हम इन्वेस्टर समिट्स की बात करें तो ये हम लोगों ने देखा कि जिस लेवल पे हमें आंकड़ों का एक जाल दिखाया गया उस लेवल पे धरातल पे उतरने में वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन उस समय का दौर अलग था सर, उस समय मध्य प्रदेश जो है वो बहुत निचले स्तर पर था, ग्रो करने की स्थिति में था, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर नहीं थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश की स्थितियाँ अलग है, अब मध्य प्रदेश गिनती के 4-5 प्रदेशों में से एक शामिल होता है।
मध्य प्रदेश की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लगता है कि अब जितने इन्वेस्टमेंट आएंगे एक सिंगल विंडो के माध्यम से जो सुविधाएं उन्हें दी जाना चाहिए वो सुविधाएं उन्हें प्रदान होगी, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ से कहीं दूर जाएगा, वो ज़रूर मध्य प्रदेश में रहेगा। और मध्य प्रदेश सरकार का जो रवैया है, सकारात्मक रवैया, मुझे लगता है कि उससे बेहतर परिणाम हम लोगों के सामने आएंगे। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की लीडरशिप में ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों का एक भरोसा जगा है कि यहाँ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मार्गदर्शन में होगा वो कहीं ना कहीं सुरक्षित है? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो एक ब्रांड बन गए उस कारण से भी कहीं ना कहीं भारत में इन्वेस्टमेंट के जो दरवाजे बहुत हद तक खुले? बिल्कुल सही कहा सर, नरेंद्र मोदी केवल इंडिविजुअल एक नाम नहीं है, वो अब केवल उनके आने का लाभ जो है वो यहाँ पर मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश में अभी आज हम लोग देख रहे हैं, जहाँ हम लोग मौजूद हैं वहीं कम से कम 102 लोगों के साथ उनका लंच है, वो खुद होस्ट करेंगे। उन्हीं सब लोगों से भारतीय की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश को लेकर और ये सारे इन्वेस्टर्स को लेकर कई चीज़ों पे इस पर बातचीत होगी। और मुझे लगता है कि बहुत केवल नरेंद्र मोदी जी के आने से ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल के आएंगे, इन्वेस्टर्स चल के आएंगे और इसका लाभ बहुत ज़बरदस्त हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो विश्लेषण के मामले में बात करें तो मीडिया से बेहतर विश्लेषण शायद ही कोई कर सकता हो, जो हमारे विश्लेषण करता है, जो हमारे मीडिया के जो वरिष्ठ पत्रकार साथी, उनका भी ये मानना है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा जगा है और इंदौर एक बेहतर शहर है, स्वच्छता में नंबर वन शहर है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर साबित होगा आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट को लेकर। कैमरामैन गौतम के साथ योगेश राठौर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।